Hello, what's up guys? My name is Vinod Badu Thapa and today in this video we will see Tailwind CSS in our React application. जी हाँ गाइस, तो फाइनली वो घड़ी आ गई है जहां आप लोगों को बेसब्री से इंतजार था कि रिएक्ट में टेलविंड सीएसएस दिखाओ कैसे करना है एंड स्पेशली वर्जन 19 में हम टेलविंड सीएसएस को कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं। तो आप देख सकते हो टेलविंड सीएसएस फॉर वेट लिखा है मैंने, क्योंकि हमने टेलविंड तो नहीं रिएक्ट वर्जन 19 को इंस्टॉल किया यूजिंग वेट। तो आपको नॉर्मल टेलविंड सीएसएस इंस्टॉल नहीं करना है, टेलविंड सीएसएस को इंस्टॉल करना है वेट जैसा रिकमेंड करता है उस तरीके से। सो इंस्टॉल टेलविंड सीएसएस विथ वेट करके है, तो यहाँ पे बहुत क्लियरली देख सकते हो जो इन्होंने मेंशन किया, मेक श्योर ये ही आपको दिखना चाहिए एंड ये जो बोलता है वही आपको फॉलो करना है। डोंट वरी, लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। रेस्ट यहाँ पे सारे कमांड्स दिए, उसको अब हमें फॉलो करना है। सबसे पहले वी नीड टू इंस्टॉल वीट एंड देन आवर प्रोजेक्ट यूजिंग रिएक्ट एंड देन प्रोजेक्ट के अंदर आ जाओ। ये वाला पार्ट हम ऑलरेडी कर चुके हैं, रिएक्ट तो ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। अब उसमें मुझे वीट टेलविंड सीएसएस को इंस्टॉल करना है, राइट? तो टेलविंड सीएसएस को इंस्टॉल करने के लिए वी नीड टू राइट दिस कमांड। ये जो दो कमांड आपको दिखाई दे रहा है, वी नीड टू राइट दिस टू कमांड्स, ठीक है। एंड हालांकि ये जो वर्जन है, ठीक है, ये आई गेस 3.4 है एंड टेलविंड का वर्जन 4 भी आ चुका है। टेलविंड का वर्जन 4 आ चुका है जो कि अपने बीटा स्टेज में है एंड उसके ऊपर तो मैं ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। आप देख सकते हो स्क्रीन पे कैसे आप उसको रिएक्ट में इंस्टॉल कर सकते हो, जिसमें आप ये पोस्ट सीएसएस ऑटो प्रीफिक्सर एंड ये सब की तो नीड भी नहीं है अब आपको, बट स्टिल जो अभी स्टेबल है मैं वही करूंगा एंड द मोमेंट वर्जन 4 आता है मैं वापस ऐड कर दूंगा एंड मैं वो ऑलरेडी कर भी चुका हूं, ठीक है। तो सबसे पहले ये जो है इसको कॉपी कर लीजिए, अपने ब्राउजर पे आइए, आई मीन अपने टर्मिनल पे इस तरीके से। एंड एक काम करता हूं, मैं यहां पे प्लस चल देता हूं। प्लस करने से होता ही है कि मैं वापस से अपने उस पर्टिकुलर पार्ट पे आ चुका हूं, सीडी रिएक्ट थापा, ठीक है। एंड जो इतना कुछ दिखाई दे रहा गाइस उसको प्लीज आप इग्नोर करो, मैं हटा दूंगा। आपको खाली उसको इंस्टॉल करना है, पेस्ट कर दो एंड यहाँ पे npm तो आप लिख सकते हो, लेकिन मैं बन है तो मैं बन के साथ चल रहा हूँ। आप लगे तो npm जो है एंटर हिट कर दो, कोई जरूरी नहीं आ रहा थापा टेक्निकल बन कर रहा तो मैं भी बन कर रहा हूँ लेकिन मेरा आ नहीं रहा। आप npm ही करो ना, खाली npm के बदले मैं बन यूज कर रहा हूँ। आपको लगे तो pnpm यूज कर दो, मैं एंटर हिट कर रहा हूँ। सो द मोमेंट मैं ये एंटर हिट करता हूँ, ऑलराइट मेरा काम हो गया, देखो इंस्टॉल हो गया। जस्ट मेक श्योर करना जब भी आप आओगे कुछ भी इंस्टॉल करते हो पैकेज डॉट जेसन फाइल पे आना एंड यहाँ पे तो आपको दिख नहीं रहा, बट जो डेवलपर डिपेंडेंसीज है वहां पे बूम गाइस सी, ये देखिए पोस्ट सीएसएस तो है ही उसके ऊपर, बट टेलविंड सीएसएस मेरा इंस्टॉल हो गया। लेकिन सिर्फ इतने से तो काम चलेगा नहीं, यहाँ पे तो बहुत कुछ दिया हुआ इन्होंने। उसके बाद आपको npx टेलविंड सीएसएस इनिट ये जो है ये लिखना पड़ेगा। यहाँ पे आइए, इसको क्लियर कीजिए, यहाँ पे एंटर। आप चाहो तो गाइस बर्न लिख सकते हो, एल्स आप npx लिख सकते हो। यहाँ पे अगर आप बर्न लिखते हो तो भी आपका काम हो जाएगा, एल्स आप npx लिखते हो तो भी आपका काम हो जाएगा। इसका मेन काम है आपका एक फाइल क्रिएट करना, डेट इज tailwind.config.js फाइल। देखो कहीं तो भी बना होगा, या हेयर वी हैव अ tailwind.config.js फाइल। अब ये जो फाइल इन्होंने बनाया कॉन्फ़िगरेशन फाइल टेलविंड का, नाउ वी नीड टू एड द पाथ टू ऑल योर टेम्पलेट फाइल्स। देखो यहाँ पे ये जो पाथ है वो देना जरूरी है, ठीक है। अब इसको कॉपी कीजिए कंटेंट के बदले आके पेस्ट कर दीजिए। तो अभी तक मैंने कुछ भी खुद से नहीं किया है, जो मुझे ऑफिशियल वेबसाइट टेलविंड सीएसएस का फॉर वीट यूजर्स बता रहा है उसको मैं कॉपी पेस्ट करता जा रहा हूँ। मैंने पाथ यहाँ पे डिफाइन कर दी, डेट इज ये मेरा एक्चुअल पाथ है एंड ये जो चीजें इनको वो रिफ्लेक्ट करेगा, ठीक है। यहाँ पे आए, ऑलराइट, नाउ एड द टेलविंड डायरेक्टिव्स टू योर सीएसएस। अब तो ये जितने भी डायरेक्टिव्स है उसको हमें यूज करना है, ठीक है, बेसिकली एड करना है। तो index.css फाइल पे इसको कॉपी कीजिए। Now we have a index.css file over here, ठीक है। तो एकदम टॉप पे आइए, यहाँ पे पेस्ट कर दो। हालांकि एज पर रूल एकदम टॉप पे होना चाहिए, बट ठीक है वो कमेंट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो index.css फाइल पे हमने इसको एड कर दी। तो स्टेप बाय स्टेप जा रहे हैं। नाउ वी नीड टू गो टू आवर टर्मिनल टू रन आवर एप्लीकेशन, बट हम वो ऑलरेडी कर चुके। मेरा एक और टर्मिनल है जहां पे ऑलरेडी मेरा वो रन कर रहा है, तो कोई मुझे प्रॉब्लम नहीं। बस खत्म इतना ही है, बस अब आपको यूज करना है। फॉर एग्जाम्पल इन्होंने ये जो दिया हुआ इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है, क्लास नेम के अंदर एंड यहाँ पे चलता हूँ सीरीज कार्ड में एंड ये जो डिस्क्रिप्शन है इसको चिपकाता हूँ मैं। एक सेकेंड, क्लास नेम तो लिखा ही नहीं, ठीक है। तो जो ये मेरा समरी है उसको मैंने चिपका दी यहाँ पे, ये देखो। तो आप देख रहे हो कि गाइस मैं स्टेप बाय स्टेप मैं जा रहा हूँ। यहाँ पे पहले हमने सीएसएस देखा, फिर डायनेमिक वैल्यूज देखी, फिर सीएसएस इन मॉड्यूल्स देखा, फिर स्टाइल्ड कंपोनेंट देख ली, अब हम इसमें टेलविंड सीएसएस देख रहे हैं। तो इसमें आपका सीएसएस मॉड्यूल्स भी है,
आपका प्लेन वेनिला आई मीन वेनिला तो क्या बोलना, प्योर सीएसएस भी है, स्टाइल कंपोनेंट भी है, अब मैं टेलविंड सीएसएस भी यूज कर रहा हूँ यहाँ पे। सब मैंने खिचड़ी बना दी है, बट आपको पता चल गया होगा कि हाँ भाई आप सब एक साथ यूज कर सकते हो। ऑलराइट, एक चीज आप बहुत क्लियरली देख सकते हो एंड दैट इज कि मुझे नहीं लगता कि हमने जो ये स्टाइल ऐड की बेसिकली समरी में किया था ना, वो हमें नहीं मिल रहा है यहाँ पे। क्या रीजन हो सकता है देखते हैं, ठीक है एक बार यहाँ पे हम चलते हैं। एंड ओ माई गॉड, द रीजन इज जब भी आप कभी भी टेलविन सीएसएस को एक बार प्रॉपर तरीके से इंस्टॉल करते हो या कॉन्फ़िग फाइल को चेंज करते हो, देन मेक श्योर आप वापस उसको रन कीजिए, बर्न अंडरस्कोर आई मीन स्पेस डेप मैंने कर दी, ठीक है। आप npm रन एंड देन डेप कर सकते हो जैसे उन्होंने कहा हुआ है, सिंपल राइट, कंट्रोल एस सेव, आई गेस अब होना चाहिए। एंड ओ माई गॉड, दिस इज इट, दिस इज इट। एंड अब आप खुद देख सकते हो कि ये देख लीजिए, बहुत ऑसम तरीके से आप देख पा रहे हो यहाँ पे कि ये वाला जो पर्टिकुलर स्टाइल है ये मेरे टेलविंड सीएसएस के थ्रू मुझे मिल रहा है। देखा आपने, ये वाला जो रेटिंग है ये मेरा स्टाइल कंपोनेंट मुझे दे रहा है, ये मेरा स्टाइल कंपोनेंट मुझे दे रहा है, बाकी मेरा ये जो चीज है वो मेरा प्योर सीएसएस मुझे दे रहा है। तो गाइस ये है तरीका टेलविंड सीएसएस को रिएक्ट में यूज करने का। तो अब आपको क्या करना है, अब ये तो हो गया है, अब आपको यहाँ पे आना है, आपको क्या चाहिए, लेट्स से आपको जानना है कि भाई ग्रिड क्या है या फ्लेक्स बॉक्स क्या है या यहाँ पे पोजीशंस का क्या सीन है, ठीक है। आप देख रहे हो ना यहाँ पे पोजीशन इस तरीके से, तो आइए देखिए वी हैव स्टैटिक, फिक्स, एब्सोल्यूट, रिलेटिव, तो उसको लिखने का तरीका क्या है। तो वो सभी क्लासेस नाम ऑलरेडी यहाँ पे दे रखी है, जैसे बूटस्ट्रैप है हमारे पास लाइक प्री डिफाइंड क्लासेस है, उसी तरीके से टेलविन सीएसएस में भी वी हैव अ क्लासेस, वही आपको बस लिखना है एंड काम करना है। इट्स लाइक योर इनलाइन सीएसएस ओनली, एंड ऑलरेडी मैं आपको इनलाइन सीएसएस भी बता चुका था, तो अब यहाँ पे एक काम करके मैं आपको दिखाता हूँ। ये तो आपको पता चल गया, एज इट इज मैं रख रहा हूँ इसको, ठीक है। अब लेट्स इमेजिन वी हैव दिस डीप कार्ड कंटेंट, याद है ये जो कार्ड कंटेंट है मैं एज इट इज रख रहा हूँ इसको, ठीक है, मैं एज इट इज रख रहा हूँ एंड इसको मैं कमेंट कर देता हूँ। यहाँ पे मेरा ये जो क्लास नेम है, यहाँ पे ये जो कार्ड कंटेंट मैंने जो लिखी थी, कार्ड कंटेंट जो मैंने लिखा है ना, वहां पे चलते एक बार, आई गेस यहाँ पे आपको मिलेगा, या हियर वी हैव दिस कार्ड कंटेंट। सो वी हैव अ पैडिंग, वी हैव अ डिस्प्ले, फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम एंड देन गैप। अब ध्यान से देखिए, एक चीज तो ये भी है कि गाइस मुझे टेलविंड सीएसएस पे मैंने इतना कभी काम नहीं किया, क्योंकि मुझे पता नहीं ये इनलाइन सीएसएस लगता है, एंड इनलाइन सीएसएस जब हम फर्स्ट टाइम करते थे और ऑलवेज ये कहा गया कि कभी भी इनलाइन सीएसएस यूज मत करना, क्योंकि वो जो आपका स्पेसिफिसिटी जो होती है उसको कैसे लाइक सबसे ज्यादा इनको ही मिलता है ना, प्रायोरिटी इनको ही मिलती है, स्पेसिफिसिटी का आइडिया नहीं तो गाइस वीडियो आप चेकआउट कर सकते हो, ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ, बट सबसे ज्यादा प्रायोरिटी इनको मिलती है इनलाइन में जो भी आप लिखते हो, ठीक है। तो प्रॉब्लम यही है कि लाइक मैंने इतना यूज नहीं किया, बट बहुत ईजी है टेलविन सीएसएस, लेट मी टेल यू, मतलब जैसे आप बूटस्ट्रैप यूज करते हो, जैसे आप सीएसएस में इनलाइन सीएसएस यूज करते हो, ये वही है। अब ध्यान से देखो, ये चार चीज जो मैंने बाहर एक्सटर्नल सीएसएस जो यूज की हुई है, अब मुझे इसको टेलविन की मदद से मुझे ये सेम चीज चाहिए, ठीक है। अब ये जो पर्टिकुलर पार्ट है इसको मैं कमेंट कर रहा हूँ, ऑलराइट। अब अगर मैं यहाँ चलूंगा तो वो कुछ ऐसा हो गया, इनके बीच में कोई पैडिंग नहीं है एंड इस एक के नीचे कार्य जो कि अच्छी बात है वैसे आता नहीं था ये, बट जो भी मुझे अब प्रॉपर जैसे चाहिए था वैसे पहले की तरह दिखाना है, बट यूजिंग टेलविंड सीएसएस ये चार प्रॉपर्टी मुझे चाहिए, ठीक है। इनको हटाओ, इनको हटाओ, इनको हटाओ, सो लेट्स गो ओवर हियर, वी हैव अ क्लास नेम, सबसे पहले तो फ्लेक्स यूज करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने फ्लेक्स तो लिख दिया है, बट मुझे भी ओके मतलब एक काम करता है, कभी भी ना गाइस अगर आपको इशू आ रहा हो कि भाई इसका क्लास नेम क्या था, क्योंकि जब तक आप हैंड्स ऑन नहीं होगा आइडिया तो आएगा नहीं, तो यहाँ पे हमें पता चल जा रहा है कि अगर आपको फ्लेक्स लिखना है ओके, तो क्लास फ्लेक्स ही था जो कि बहुत अच्छी बात है, ठीक है। अब मुझे फ्लेक्स का डायरेक्शन चाहिए यहाँ पे, ओके हियर वी हैव अ फ्लेक्स डायरेक्शन, मुझे कॉलम चाहिए, सो फ्लेक्स हाइफन कॉल, ओके देखो फ्लेक्स हाइफन डायरेक्शन जो कॉलम मैंने लिखा था मुझे वो लिखना है यूजिंग टेलविंड सीएसएस, उसके लिए उन्होंने ये क्लास दे रखी है। एंड बाय द वे मैंने ऑलरेडी एक एक्सटेंशन इंस्टॉल कर रखा है जिससे मुझे ऑटोमेटिक सजेशन आ रहा है, ठीक है, ध्यान से देखना, ये देखो फ्लेक्स एंड देन कॉल, ये देखो ये वाला जो एक्सटेंशन दिख रहा है ये मेरा टेलविंड का एक्सटेंशन है, फ्लेक्स हाइफन कॉल। अभी ये करते ही सब एक के नीचे एक आ गए, अब मुझे बस इनके बीच में गैप देना है, तो गैप का क्या सीन है, गैप ये गैप ही ऐसे ही है, ओके मतलब एक काम कर रहा है, सिक्स होता है, परफेक्ट सी मेरा काम हो गया। तो कितनी इजीली टेलविंड सीएसएस की मदद से भी आप अपने स्टाइल को कर सकते हो, जो बस मैंने क्या किया था एक अलग क्लास नेम देके बाहर रखा था,
इतना तीन को तो मैंने अब इस तरीके से यूजिंग टेलविन सेसेस ऐड कर दी। अब आपके माइंड में ये है कि मैं पैडिंग कैसे दूं, पैडिंग अब आप में आई मीन पैडिंग को अब हम कैसे यूज कर सकते हैं, राइट? तो ये इंपॉर्टेंट है। लेट्स ट्राई पी हाइफन, ये क्या चीज है, आई थिंक इट्स पैडिंग ओनली। ओके, बाय द वे गाइस, सिर्फ पी हाइफन सिक्स लिख के ही मेरा काम हो गया एंड इट्स लुकिंग गुड। लेकिन कहीं ना कहीं बस इसमें प्रॉब्लम ये है कि मैंने पी हाइफन सिक्स लिख तो दी, बट मुझे नहीं आइडिया है कि ये जो सिक्स वाली जो वैल्यू है ये एग्जैक्टली क्या वैल्यू है, आई मीन कौन सी वैल्यू को होल्ड कर रहा है। इज इट 10 पिक्सल और 6 पिक्सल, एग्जैक्टली 6 वैल्यू किसके इक्विवेलेंट है वो जानना बहुत जरूरी है ताकि मैं मैथ करके अपना प्रॉपर एक स्पेसिंग दे सकूं। सो लेट्स गो विथ आवर पैडिंग वाला फंडा एंड मुझे ये जानना है कि यहाँ पे हो क्या रहा है। ओके, वी हैव पैडिंग 6, P6 मीन्स 1.5 रैम, ओके, विच इज इक्विवेलेंट टू 24 पिक्सल। मैंने कहा ना ये चीजों को आपको मास्टर करना जरूरी है। जैसे मैंने इसलिए कहा था स्टार्टिंग में, अगर आपको CSS आता है देन आपके लिए बहुत इजी होगा कोई भी फ्रेमवर्क या लाइब्रेरी के साथ काम करने में। देखो मेरे लिए कितना इजी हो गया, मुझे मालूम है कि भाई पैडिंग कैसे लिखते हैं, अब बस उसी का ही शॉर्ट फॉर्म एकदम बच्चों वाला होता है ना, जहां आप पहले 100 कदम चलने की आदत है आपको, अब कोई बोल दे भाई एक काम करो खाली 20 चलो, अब तो यूं चुटकी में चल दोगे, तो टेलविन सेसेस वो 20 कदम है, ठीक है, जहां पे ऑलरेडी सब कुछ है बस वही यूज करना है। मतलब अगर आप 1.5 रैम लिख रहे हो तो उसका इक्विवेलेंट 5P-6 एंड पिक्सल इतना है, ठीक है। ऑलराइट, अब मुझे क्या चाहिए था, मुझे वैल्यू चाहिए थी कुछ इस तरीके से कि ऊपर और नीचे से इतना, लेफ्ट एंड राइट से इतना, ठीक है। तो ये तो अब ऑब्वियस है एंड मैंने बूटस्ट्रैप पे भी काम किया तो वहां पे भी फंडा यही था कि अगर आप PX यूज करते हो, यू नो फॉर सम रीजन अगर आप Y यूज करते हो इट मीन्स Y डायरेक्शन, X यूज करते हो इट मीन्स हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, समझ रहे हो? जो बार के ग्राफ में होता है ना, X रिप्रेजेंट योर हॉरिजॉन्टल लाइन, Y रिप्रेजेंट योर वर्टिकल लाइन, तो Y मतलब ऊपर एंड देन नीचे, PX मतलब लेफ्ट एंड देन राइट, इस तरीके से ये है आपका। तो PY-6, PX-6 लिखना एंड वो P-6 लिखना, बोथ आर सेम, ठीक है। देखो परफेक्टली मुझे मिल गया। अब यहाँ पे मैं आप लोगों के समक्ष एक चीज रखना चाहूंगा, मुझे एक चीज पता चला जो आपके लिए भी बहुत काम आएगा एंड दैट इज मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। मतलब दो तरीके हैं लिखने के, और लाइट ये तो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका था, यहाँ पे ये चीज को ध्यान से देखिएगा। पैडिंग अगर आपको अप्लाई करना हो इन टेलविन सेसेस, सो तरीके बहुत सारे, आई मीन क्लासेस बहुत सारे, लेकिन दो तरीके, वन इज यूजिंग एक्सटेंडेड स्पेसिंग स्केल, अनदर वन इज यूजिंग अर्बिट्री वैल्यू। अर्बिट्री वैल्यूज का फायदा ये है कि अगर आपको बाय डिफॉल्ट मालूम है एंड ऑलवेज आप जब काम करते हो आपको मालूम है कि मुझे पैडिंग 1.2 एंड ऊपर नीचे से मैं जस्ट उसका डबल देता हूँ, आई मीन ऊपर अगर 1.2 तो लेफ्ट एंड राइट वाला उसका डबल होता है, बटन के साथ भी हम कुछ इस तरीके से एक रूल बना के चलते हैं। वैसा अगर आपको करना है देन वी कैन गो विद दिस अर्बिट्री वैल्यू, जहां पे सेम पैडिंग को मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ। इधर वी कैन गो विद PY, आपको पता है, देखो ना बता भी रहा, पैडिंग टॉप पैडिंग बॉटम। PX में अगर मैं चलता हूँ इट्स योर पैडिंग लेफ्ट एंड देन पैडिंग राइट, 3 रैम 3 रैम 48 पिक्सल 48 पिक्सल, वाओ ये तो बहुत ही औसम है, पूरा बता रहा है कितना रैम है कितना पिक्सल है, राइट। बट वही मुझे तो PX तो 1.2 रैम चाहिए, बट 12 तो मेरा बहुत ही ज्यादा है। तो अगर आपको ये वाली वैल्यू समझ में नहीं आती है देन आप ये जो आर्बिट्री वैल्यूज है आप डायरेक्टली ऐसे यूज कर सकते हो जो मैंने यहाँ यूज की हुई है, राइट, क्योंकि यही वैल्यू है 3.2 एंड देन 1.2 जो मैंने यूज कर रखी थी, मुझे अब यूजिंग टेलविंड यूज करना था, ठीक है, कोई बात नहीं, मैं इस तरीके से यूज कर दूंगा, कॉम आप यहां से हटाओ, बस खत्म, मेरा काम हो गया। PY ऊपर और नीचे से ये, लेफ्ट एंड राइट से ये, एंड अब अगर मैं यहाँ पे चलता हूँ तो ये देखो मुझे मेरा जो आउटपुट है मिल गया। तो गाइस आई होप आपको आज का वीडियो बहुत ही ज्यादा पसंद आएगा, जहां मैंने आपको ये दिखाया कि कैसे अब आप इसके साथ खेल सकते हो। कुछ भी अगर आपको प्रॉब्लम हो, जैसे अगर आपको कलर चाहिए तो कलर देख लीजिए, यहाँ पे इतने सारे टेक्स्ट का कलर है, देख लीजिए टेक्स्ट को अगर आपको कौन सा कलर देना है। एक काम करते हैं, चलो एक कलर करके भी दिखा देता हूँ, जैसे कि यहाँ पे ही है ना, लेट्स गो विद टेक्स्ट हाइफन, इतने सारे कलर है सियान करके, देखो ना डिफरेंट डिफरेंट वेराइटी है, चलो 300 पे चलता हूँ, ठीक है। एंड अगर मैं यहाँ पे चलता हूँ तो ये देखो इसका कलर चेंज हो गया, तो कलर आप ऐसे चेंज कर सकते हो, बैकग्राउंड के अलग प्रॉपर्टीज, तो सबके क्लास नेम ऑलरेडी टेलविन सेसेस में दिया हुआ है, आपकी मर्जी, आपको जो लगता है आप यूज कर सकते हो। सो या गाइस दिस इज इट, आज इस वीडियो के लिए इतना ही, एंड आई होप मुझे स्टार्टिंग में बहुत सारे कमेंट्स आए थे रिगार्डिंग टेलविन सेसेस को हम कैसे बीट से के थ्रू इंस्टॉल कर सकते, करके दिखा दिया, अप्लाई भी करके दिखा दिया, कलर तो अप्लाई हो रहा है मजे से एकदम,
राइट। सो या दिस इज इट। तो लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप आराम से कीजिएगा। एंड कुछ भी डाउट हो तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। एंड गाइस, आज से हमारा पाइथन मास्टर क्लास बैच 4 जो स्टार्ट होने जा रहा है, इफ यू वांट टू एनरोल स्टार्टिंग के 3 डेज, कैसे हम होता है तो सिर्फ 99 रुपीज में। वीडियो का लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जरूर चेकआउट कीजिएगा। सो गाइस, टेलविन सेसेस कितनों का इंस्टॉल हुआ नीचे कमेंट करके जरूर बताना, अगर नहीं हुआ तो क्या रीजन है वो भी बताइए, हम आपकी जरूर हेल्प करेंगे। वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर दीजिएगा। मिलता हूं मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गाइस, थैंक यू सो मच, टेक केयर।